आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे, तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। सवाल है कि अपनी काबिलियत पता है, ये भी पता है कि क्या करके दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर असफलता मिलती है तो करूँ क्या? तुम्हें काबिलियत पता है या बस तुमने मान लिया है कि काबिलियत है? जिस काबिलियत को तुमने मान भर लिया है, उस काबिलियत में तो बस इतना ही दम है कि वो तुम्हें असफलता ही देती है। तुमने जिसको अपनी काबिलियत मान लिया है उससे तो तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, उसमें कितना दम है ये बात तो सामने ही है ना। खुद ही कह रही हो कि उस पर चल के बस असफलता हाथ लगती है। तुमने जिन बातों को अपनी काबिलियत मान लिया है वो तुम्हारी काबिलियत है नहीं, और तुमने जिसको अपनी नाकाबिलियत मान लिया है वो भी तुम्हारी नाकाबिलियत है नहीं। किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास का जो पूरा झुंड था उसमें तुम ही अच्छे थे फिजिक्स में, और तुमने मान लिया कि मैं बड़ी काबिल हूं। और किसी ने तुमसे आकर कह दिया कि कोई चीज तुम्हारी नाकाबिलियत है क्योंकि उनको ऐसा लगता है, और चूंकि ये बात बहुत लोगों ने कही और बार बार कही तो तुमने इसको भी मान लिया कि ये मेरी नाकाबिलियत है। जिनको तुम अपनी काबिलियत माने बैठे हो वो तुम्हारी काबिलियत नहीं, जिसको तुम अपनी नाकाबिलियत माने बैठे हो वो भी दूसरों ने बस कह दी है, वो तुम्हारी वास्तविक नाकाबिलियत नहीं। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारा होना भर है, तुम हो ना तो बस काबिल हो। ये ना पूछो कि किस बात के काबिल है। जिस भी काम में डूबे हो उसी के काबिल हो, डूब के पढ़ाई कर रहे हो तो उसके काबिल हो, खेल रहे हो तो उसके काबिल हो, गा रहे हो तो उसके काबिल हो, खाना खा रहे हो तो उसके काबिल हो। तुम अपनी जो काबिलियतें जानते हो वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वस्तु सापेक्ष, कि मैं बहुत एबल हूं रीडिंग में। तुमने चुनाव कर लिया है, तुमने हिस्से कर दिए हैं कि ये मेरी काबिलियत ये मेरी नाकाबिलियत। हिस्से हैं ही नहीं, ये झूठे हिस्से कर रखे हैं तुमने, तुमने जबरदस्ती अपने मन में एक बात ठूस रखी है। तुम्हारी काबिलियत पूर्ण है, जो कर रहे हो उसी के, अभी सुन रही हो ना तो इसी के काबिल हो। अभी चलोगी ना तो ध्यान से चलने के काबिल हो, और जब नाचो तो वही काबिलियत है। जिस क्षण में जो है वही तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारा होना ही तुम्हारी काबिलियत है, बशर्ते तुम पूरी तरह हो। हम पूरी तरह होते नहीं है, हम पूरी तरह होते नहीं है। कम लोग होंगे जो अभी सुनने में पूरी तरह होंगे, कम लोग होते हैं जो किसी भी क्षण में पूरी तरह होते हैं। हमारा होना अधूरा अधूरा सा है, खाली खाली सा, क्योंकि मन कहीं और रहता है, मन कहीं और ही रहता है, हमारा होना पूरा नहीं है, समझ रहे हो? जब किताब के पास जाओ और ये कह के जाओ कि इस विषय में तो मेरी काबिलियत है, तो ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही एक बात मन में बैठी हुई है कि मैं तो काबिल हूं इसमें। और अगर किसी किताब के पास गए और ये सोच के गए कि इसमें तो ना काबिलियत है, तो भी नहीं पढ़ पाओगे। न ये सोच के जाओ न वो सोच के जाओ, बस जाओ और पूरी तरह जाओ कि पढ़ रही हूं तो बस पढ़ रही हूं,
नहीं पता मुझे कि काबिलियत नाकाबिलियत क्या होती है, नहीं पता मुझे कि सफलता असफलता क्या होती है, नहीं पता मुझे कि पढ़ने की वजह क्या है, बस पढ़ रही हूँ। कोई लक्ष्य नहीं है कि पढ़ करके एक दिन एग्जाम लिख देना है। परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहे। कुछ सिद्ध करने के लिए पढ़ रहे हो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। मुझे दिखा देना है पूरी दुनिया को कि मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि अब ध्यान पढ़ने में नहीं, दुनिया पर है, दुनिया को दिखा देना है। परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ध्यान पढ़ने में नहीं परीक्षा पर है। मन में कुछ ना रहे, बस तुम हो और वो क्षण है, काफी है। फिर देखो, फिर जो होना होगा अपने आप होगा, फिर जो होना होता है अपने आप होता है, और जो भी होता है तुम्हें उससे शिकायत नहीं रह जाती। फिर तुम ये नहीं कहते कि असफल रह गए, क्योंकि उस होने में ही तुम्हारी सफलता थी। मैंने इतना अच्छा समय गुजारा है अभी इस किताब के साथ, हो गया सफल। अब आगे की कौन सोच रहा है? प्यार हो गया किताब से, आगे की कौन सोच रहा है? जब प्रेम में होते हो और मिल रहे हो किसी से गले, जैसे किताब से गले मिला जाता है, वास्तव में जो पढ़ते हो गले ही मिलते हैं किताब से, तो प्रेम में गले मिले हुए हो तब सोच रहे होते हो क्या कि 6 महीने बाद क्या करना है? और अगर सोच रहे हो तो बड़े खतरनाक आदमी हो। काफी है ना यह सफलता असफलता सोचते हो कि आज इसके साथ 2-3 घंटे बिताए, 1400 रुपए खर्च किए, सफल हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ लोग इस हिसाब भी रखते हैं इस तरह का, उनसे बच के रहना। जो जीवन में सफलता असफलता की बड़ी फिक्र करते हो वो बड़े व्यापारी किस्म के आदमी हैं, उनका मन ही व्यापारी है। वो गिनती कर रहे हैं, इतनी कोशिश की, इतना समय लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है भाई, वसूली भी तो होनी चाहिए। किताब से वसूली नहीं की जाती, किताब से प्यार किया जाता है। और फिर मजे देखो, फिर तुम्हें फिक्र ही नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा, फिर कहोगे बस हो गया, जो होना था अभी हो गया, और फिर समय का भी पता नहीं चलेगा। पढ़ने बैठोगे सोचोगे 2 घंटा, रात बीत जाएगी, न थकान है न नींद है। और तब जानोगे कि जीवन क्या होता है और मजा क्या होता है और पढ़ाई क्या होती है और कुछ भी क्या होता है। समझ रहे हो? नहीं, लक्ष्य सफलता कैलकुलेटर मत चलाया करो हर समय, कितना नफा कितना नुकसान। जैसे बूढ़ा दुकानदार होता है, सब जवान लोग हो ना, सफलता असफलता हानि लाभ बड़े गणित मत लगाया करो जल्दी। किसके लिए प्रूफ तो कह रही हो कि हाँ प्रमाण होना चाहिए कि इसने हासिल किया, वो प्रमाण किसको दिखाना है? वो प्रमाण किसको दिखाना है? जल्दी बोलो, महक ना, किसको दिखाना है प्रमाण? दूसरों को, और क्या? अरे मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब खुद को तो प्रमाण में दूंगा नहीं कि खा लिया है, किसी और को ही देना होगा। मेरा तो पेट भर गया और पेट का भरना ही प्रमाण है। मैंने मौज कर ली और मौज कर ली अपना प्रमाण खुद है, निश्चित ही किसी और को प्रमाण देना है, किसी और की नजरों में अपनी छवि बनानी है, किसी और से दुश्मनी है तो उसको सिद्ध करना है। आई नीड टू प्रूव अ पॉइंट। तू मुझे बचपन से बेवकूफ समझता था ना, ये देख मेरा रिजल्ट। बेवकूफ नहीं हूं मैं,
क्यों किसी को कुछ सिद्ध करना है? अगर खुद जानते हो तो बस खुश, क्यों छवि चमकानी है? जिसके सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो उसके गुलाम बन जाते हो, वो तुम्हारा मालिक हो गया, तुम उसको कुछ जताने के लिए अपनी जिंदगी जीत रहे हो। बात समझ रही हो? वो मान जाए इसलिए तुम्हारा जीवन चल रहा है, ये तो बड़ी उल्टी बात है। वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया तुम्हारे लिए। हमने कहा था ना सीरियस मत हो जाना, तुम बड़ी सीरियस हो गई उसके बारे में। अपने लिए करो, अपने लिए, उसके बाद सब बढ़िया रहेगा। जो भी है मेरे अपने लिए है, किसी को जताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं है। मैं जानती हूँ और इतना काफी है, और अगर मुझ में है तो अपने आप जिनके आंख होगी उन्हें दिखेगा। सूरज के पास रोशनी है, वो विज्ञापन नहीं लगाता, आइए आइए सुबह सुबह बढ़िया रोशनी रहेगी। जो अंधा नहीं है उसको रोशनी दिख जाएगी, और जो अंधा है उसे कभी दिख भी नहीं सकती। सूरज अंधों को कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि उसके पास रोशनी है। चमकता रहे सूरज, अंधे कभी नहीं मानेंगे कि सूरज है, और सूरज लगा हुआ है प्रूफ करने में, सर्टिफिकेट लेकर के आया है। हाँ, और जोर से चमक रहा है, इतना ही होगा कि इतनी जोर से चमकेगा खुद ही जल मरेगा। सोच रहे हो? ये बातें कुछ साथ रहेंगी या खत्म हो गई? अब मैं तुमसे कह रहा हूं जबरदस्ती साथ रखने की जरूरत नहीं। ध्यान देना, पूरा ध्यान देना, और फिर जो ठीक लगेगा वो अपने आप तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम्हारे ध्यान पे खरा नहीं उतर रहा वो ऐसे भी तुम्हारे साथ रहेगा नहीं। तो दोनों बातें कह रहा हूं, जो ध्यान पे खरा उतरे, जो तुम्हारी समझ के अनुरूप हो, वो तुम्हारे साथ रहेगा, चलोगे उस पर। और जो बात समझ में नहीं आई है उसको जबरदस्ती ढोना मत, उसको भूल जाना, ठीक है? कुछ था भूल गए, ठीक है?